कोश किचन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम सब्जी बनाते हैं उसमें तड़का लगाते हैं तो पचफोरन का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है पचफोरन क्या होता है, और जो नहीं करते वो बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि पचफोरन क्या होता है। और आज कई सारी रिक्वेस्ट के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक खास वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि पचफोरन क्या होता है। और आप देख सकते हैं पचफोरन आपके सामने है, इसे बनाना कैसे है ये आपको बता देते हैं। वैसे ये जो मसाला है पचफोरन, ये ज़्यादातर बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बनाने के लिए जैसे कि नाम से ही जाहिर है पचफोरन नाम है इसका, तो 5 तरह के अलग अलग मसालों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 1 ही चम्मच हमने ली है कलौंजी, 1 चम्मच हम लेंगे सौंफ, 1 चम्मच ही हम इस्तेमाल करेंगे सरसों के दाने, और 1 ही चम्मच हमें इस्तेमाल करना है मेथी दाना। कई लोगों को मेथी दाना नहीं पसंद होता है, तो आप 1/2 चम्मच मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कई लोग अजवाइन को भी इस पचफोरन में पसंद करते हैं, तो आप अगर स्वाद पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तैयार हो गया आपका पचफोरन। अगर इस मसाले को हम कहें कि ये भारतीय मसालों का पंचामृत है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं हमने, जो 5ों चीज़ें हैं वो पेट के लिए काफ़ी सुपाच्य होती हैं, पाचन के लिए, हाजमे के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं, और इसी वजह से और यही सोच कर शायद पचफोरन बना होगा और इसका इस्तेमाल होता होगा। वैसे इसके अलग अलग मसाले किस किस तरह से आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करें अगर जीरे की, तो जीरा शरीर से फैट को घटाने में, उसे काटने में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, और भी कई सारे फ़ायदे हैं इसके। मेथी दाने की बात की जाए तो कहा जाता है कि जिसकी जितनी उम्र होती है अगर उस हिसाब से दाने गिनकर सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा ले या फिर यूं ही पानी के साथ निगल जाए तो उसे कई सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, शरीर की सूजन, रक्तचाप, बलगमी बीमारियाँ, कई सारी बीमारियाँ होती हैं जो मेथी दाना के इस्तेमाल के बाद दूर हो जाती हैं। बात करें अगर सौंफ की, तो सौंफ कई सारे फ़ायदों के साथ एसिडिटी को मिटाने में जादू की तरह काम करता है, तो इसलिए शायद इसका इस्तेमाल होता है। और बात करें अगर सरसों की, तो कहा जाता है कि अगर आपको घबराहट हो रही है किसी भी तरह की, अंदर से लग रहा है कि आपका दिल कांप रहा है, परेशान है, मानसिक किसी भी तरह की कोई टेंशन है, तो उसको सरसों का दाना दूर कर देता है। अगर आप लेप भी लगाएं तो फ़ायदा होता है। तो बात यहाँ हो रही थी मसालों की। अगर कलौंजी के फ़ायदों की बात की जाए तो कहा जाता है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है कलौंजी के पास, तो इसीलिए इतने सारे फ़ायदे होते हैं इन 5ों मसालों में, इनका इस्तेमाल इसीलिए शायद तड़के में यूज़ होता है। ये स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ कई सारे फ़ायदे भी आपको पहुंचा जाता है अगर आप इसे तड़के में शामिल करते हैं तो। तो आज हमने आपको बताया कि पचफोरन क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करते हैं पचफोरन के बारे में ये ख़ास जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास मसाले के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उससे जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। तो अगर आज का ये पचफोरन से जुड़ा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कोश किचन को, और देखते रहें कोश किचन।